दोस्तों एक ऐसी महिला जिसने अकेले ही 3 जहाजों को डुबा दिया और इसके बावजूद भी ये जिंदा बच गई। तो दरअसल मैं बात कर रहा हूँ वायलेट जैसम नाम की एक महिला की, जो दिखने में एक साधारण औरत की तरह दिख रही थी, बट इसमें कुछ तो अलग था जो दूसरों में नहीं था। एक्चुअली जब इनका जन्म हुआ तब इनको टीबी की बीमारी थी, डॉक्टर ने भी बोला कि ये मर जाएंगी, बट इनको कुछ नहीं हुआ। ये बड़ी हुई और नर्स बनी और सबसे पहली जॉब इन्होंने 1910 में आरएमएस ओलंपिक शिप में ज्वाइन किया। इसके ज्वाइनिंग के ठीक एक साल बाद यानी 1911 में उस शिप का एक्सीडेंट हो गया और वो शिप डूब गया, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। फिर ये 1912 में टाइटैनिक शिप में जॉब शुरू की और टाइटैनिक के साथ क्या हुआ वो आपको पता ही है। टाइटैनिक के सिंकिंग में 1500 लोग मारे गए, बट इनको कुछ भी नहीं हुआ। और फिर उसने 1916 में जब इस ब्रिटैनिक जहाज में जॉब शुरू की, एंड गेस व्हाट, इस जहाज के साथ भी वही हुआ जो टाइटैनिक और ओलंपिक के साथ हुआ, मतलब ये जहाज भी डूब गई और ये औरत फिर से बच गई। मतलब इसने 3 बार इतने बड़े बड़े शिप डिजास्टर को सरवाइव किया।